जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और उसी क्रम में आज है माता मंगला गौरी का तीसरा व्रत। यह वीडियो होने वाली है उस कथा से संबंधित जिसमें महादेव ने ली थी माता पार्वती के प्रेम की परीक्षा। शिव महापुराण में माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह की कथा मिलती है और इस कथा में ही वर्णन आता है उस पल का जब महादेव ने माता पार्वती के प्रेम की परीक्षा ली थी और माता पार्वती जी ने कहा था विवाह करूंगी तो केवल शिव जी के साथ। कथा को शुरू करें उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्पिरिचुअल ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मिलता रहे मोटिवेशन इसी तरह से और वीडियोस को बनाने और अपलोड करने के लिए। तो कथा शुरू करते हैं। एक बार सभी बोल दीजिए हर हर महादेव। माँ पार्वती की जय। शिव परिवार की जय। पार्वती जी ने मन ही मन भगवान शिव को अपना मान लिया। बस उन्होंने ठान लिया कि विवाह होगा तो केवल और केवल शिव जी के साथ। लेकिन भगवान शिव को पाना आसान तो नहीं, तो पार्वती जी ने भी ऐसी तपस्या की कि तीनों लोग थर्रा गए। सबने लाख समझाया कि तुम राजकुमारी हो और वो महादेव हैं, एक योगी हैं, वैरागी हैं, किसी सुख सुविधा के बीच नहीं रहते, आखिर तुम उनके साथ कैसे रहोगी। स्वयं भगवान शिव ने भी माता पार्वती जी की बहुत परीक्षा ली, लेकिन पार्वती जी के प्रेम और तप के आगे आखिरकार देवों के देव महादेव को भी हार माननी पड़ी। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति रूप में पाया है। इतनी कठोर तपस्या ना आज तक किसी ने की है और ना ही आगे कभी कोई कर सकेगा। माता पार्वती ने अपनी तपस्या के बल पर यह सिद्ध किया है कि संकल्प, प्रेम, कठिन मेहनत और तप से कुछ भी पाया जा सकता है, कितनी ही बड़ी परीक्षा में सफल हुआ जा सकता है। आदिकाल से ही स्त्रियां मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए गौरी जी की आराधना करती आ रही हैं और सावन के हर मंगलवार को माता मंगला गौरी जी की आराधना से विवाह में आने वाली सभी बाधाएँ दूर हो जाती हैं। सभी युगों में जब जब माता लक्ष्मी ने मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है तब तब उन्होंने भगवान विष्णु जी को ही पति रूप में पाने के लिए माँ गौरी की आराधना की है। त्रेता युग में माता सीता हो या द्वापर युग में माता रुक्मणी, सभी रूपों में उन्होंने माता गौरी जी के आशीर्वाद से अपने मनचाहे वर की प्राप्ति की है। वहीं पत्नियां अपने पति का प्रेम और अमर सुहाग का वरदान पाने के लिए पार्वती जी का पूजन करती हैं। शिव गौरी का संबंध जन्म जन्मांतर का है, इसलिए देवी सती ने गिरिराज हिमालय के घर पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी का प्रभाव बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि पार्वती जी के जन्म से संसार में सभी तरह की संपत्तियां और सिद्धियां छा गईं। पर्वत की नदियों में पवित्र जल बहने लगा। हिमालय पर अनेक तरह के नए नए वृक्ष फूलों और फलों से लद गए और वहां कई तरह की सुंदरमणियों की खाने प्रकट हो गईं। पर्वत पर सभी तरह के पशु पक्षी अपनी स्वाभाविक शत्रुता भूलकर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने लगे। सब नर नारी पशु पक्षी और सभी तरह के जीव बड़े आनंद और सुख से रहने लगे। पर्वत पर रोज नए नए मंगल उत्सव होने लगे। पार्वती जी जब बड़ी हुई तो रोज अपनी सहेलियों के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर जाया करती थी। एक बार देवर्षि नारद राजा हिमालय के घर पहुंचे। देवर्षि नारद को देखकर हिमालय ने उनका बड़े आदर से स्वागत सत्कार किया और अपनी पुत्री पार्वती जी के बारे में पूछा। उन्होंने नारद जी से कहा कि कृपया आप हमें हमारी पुत्री पार्वती के गुण, दोषों और विवाह आदि के बारे में बताइए। इस पर नारद जी ने कहा, हे हिमालय, आपकी पुत्री तो गुणों की खान है, सुंदर, सुशील और समझदार है, वह शक्ति का अवतार है जिन्हें आपने अपनी तपस्या से पाया है। संसार भर में उनकी पूजा होगी और जो भी उसकी पूजा करेगा उसके लिए किसी भी तरह का सुख दुर्लभ नहीं रह जाएगा।
संसार भर की सभी स्त्रियां पार्वती का नाम जपते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करने लगी। पार्वती अपने पति की प्रिया होगी और उसका सुहाग अमर रहेगा। अपनी पुत्री की वजह से तुम्हें भी हमेशा यश की प्राप्ति होगी। तुम्हारा सब तरह से कल्याण होगा। बातों ही बातों में नारद जी ने यह भी बताया कि पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से होगा। ये सुनकर पार्वती जी बेहद प्रसन्न हुई, लेकिन पार्वती जी के माता पिता सहेलियां आदि बड़ी चिंता में आ गए, क्योंकि उन सब के मन में भगवान शिव की यही छवि थी कि वे एक योगी हैं, सर पर जटा रखते हैं, पूरी तरह से वैरागी हैं, किसी सुख सुविधा के बीच नहीं रहते, बल्कि सर्प नाग और भूत प्रेत आदि से घिरे रहते हैं। लेकिन फिर नारद जी ने समझाया कि भगवान शिव ही सर्वशक्तिमान है और अत्यंत दयालु हैं। उनका वेश वैसा नहीं है जैसा सबको दिखाई देता है। उनके रूप और सौंदर्य के आगे तो करोड़ों कामदेवों की छवि भी फीकी है। सारी अमंगल चीजें महादेव से जुड़कर मंगल और शुभ हो जाती हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके स्वामी भगवान शिव ना हो। इंसान के कर्मफल को बदलने की शक्तियाँ भी उन्हीं के हाथों में हैं। उन्हें समझना किसी के वश की बात नहीं है। तब जाकर पार्वती जी के माता पिता और सहेलियों की चिंता थोड़ी कम हुई। फिर नारद जी ने यह भी बताया कि शिव जी की आराधना बहुत ही कठिन है, लेकिन तपस्या करने से वे बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें पाने के लिए पार्वती को कठोर तपस्या करनी होगी। ऐसा कहकर नारद जी ने पार्वती जी और उनके माता पिता को आशीर्वाद दिया और वापस लौट गए। नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करने की ठान ली। उन्होंने अपने माता पिता को प्रेम से समझाया, मनाया और फिर कठोर तपस्या करने के लिए वन में चली गई। कहते हैं कि पार्वती जी जब तपस्या करने के लिए जाना चाहती थी, तब उन्हें अपने माता पिता को समझाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उनके माता पिता उन्हें इस बात की अनुमति नहीं दे रहे थे। इससे पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। यह देखकर पार्वती जी की सहेलियां उनकी सहायता करने के लिए उनके साथ वन में चले गए, जहाँ पार्वती जी ने प्रसन्नता के साथ अपनी तपस्या शुरू की। पार्वती जी ने सभी तरह के सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने पहले एक समय के भोजन का त्याग किया, फिर उन्होंने दोनों समय भोजन का त्याग किया और सिर्फ पत्तों का आहार किया। पत्तों का आहार भी उन्होंने कुछ समय के बाद छोड़ दिया और अब वो सिर्फ जल पी करके व्रत रखने लगे। बाद में आकर के उन्होंने जल का भी त्याग किया और सिर्फ वायु का ही प्रयोग भोजन के तौर पर किया। इस तरह से हजारों सालों तक कठोर से कठोर व्रत किए और केवल भगवान शिव का नाम ही जपते रहे, ध्यान करते रहे। उनकी कठिन तपस्या से तीनों लोग डगमगाने लगे। आखिरकार पार्वती जी की तपस्या सफल हुई और आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हें भगवान शिव ही मिलेंगे। कृपया अब तुम अपनी ये सारी कठिन तपस्या छोड़ दो। आकाशवाणी सुनकर पार्वती जी बेहद प्रसन्न हुई। नारद जी की सलाह से पार्वती जी की तपस्या सफल हुई थी। नारद जी को ही पार्वती जी ने अपना गुरु भी मान लिया था। अब भगवान शिव ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए उन्होंने सप्त ऋषियों को पार्वती जी के पास भेजते हुए कहा, आप लोग पार्वती के पास जाकर उनकी परीक्षा लीजिए और उनके पिता से कहिए कि वे पार्वती को घर वापस बुलाएं। पार्वती जी को उनके घर भिजवाइए। भगवान शिव के कहने पर सप्त ऋषि पार्वती जी के पास पहुँचे। उस समय पार्वती जी तपस्या की मूर्ति लग रही थी। सप्त ऋषियों ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनसे भगवान शिव के लिए बड़ी अजीब अजीब सी बातें कहीं। उन्होंने पार्वती जी से कहा, तुम जिसके लिए इतनी तपस्या कर रही हो, वे तो बड़े उदासीन हैं, अजीब सा वेश धारण करते हैं, कपालों की माला पहनते हैं,
ना उनका कोई कुल है और ना कोई घर बार। पूरे शरीर पर सांपों को लपेटे रहते हैं। आखिर ऐसा पति मिलने से तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? सप्तऋषियों ने कहा, पहले सती ने भी पंचों के कहने पर भगवान शिव से विवाह किया था और फिर वह जीवित ही नहीं रही। सती जी के जाने के बाद तो अब भगवान शिव किसी बात की चिंता ही नहीं करते, भीख मांग कर खाते हैं। आखिर हमेशा अकेले रहना पसंद करने वाला पुरुष किसी स्त्री के साथ कैसे रह सकता है और कोई स्त्री कैसे ऐसे पुरुष के साथ टिक सकती है? तुम नारद के बहकावे में आ गई हो। आखिर नारद के कहने से किसका घर बसा है? सप्तऋषियों ने पार्वती जी से आगे कहा, हमारी बात मानो। तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुशील और सुखदाई अच्छा वर भगवान विष्णु हैं, जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली है। वह वैकुंठ में सभी सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। सप्तऋषियों की बात सुनकर माता पार्वती जी ने कहा, माना कि मेरे शिव में बहुत अवगुण है, लेकिन मेरा तो एक ही मन है और उसमें केवल शिव ही बस चुके हैं। अब मैं उनके गुण दोषों को क्या देखूं? मुझे तो स्वयं भगवान शिव भी 100 बार मना करें, तू भी मैं करोड़ों जन्मों तक यही कहूंगी कि मैं केवल भगवान शिव से ही विवाह करूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। कहीं और जाकर ऐसी बातें कीजिए ऋषिवर, पार्वती जी ने कहा। पार्वती जी ने सप्तऋषियों से आगे कहा, सबकी निंदा करने वालों को आलस्य तो होता ही नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाकर इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन संसार में और भी बहुत से वर कन्या हैं। कृपया आप सभी जाकर उनसे ऐसी बातें कीजिए। मैं तो पर्वत की पुत्री हूँ, एक बार जहाँ स्थिर हो गई वहाँ से नहीं हटूंगी, फिर चाहे मेरा शरीर ही क्यों ना छूट जाए। मैंने नारद जी को अपना गुरु माना है और जिसे अपने गुरु की बात पर ही विश्वास ना हो उसे कोई भी सुख सिद्धि मिल ही नहीं सकती। कृपया अब आप सब जाइए, आपको देर हो रही होगी। भगवान शिव के पति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सप्तऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे जगत जननी माता, हे भवानी, आपकी जय हो। हमने भगवान शिव के लिए जो कुछ भी कहा कृपया उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हम तो उन्हीं के कहने पर केवल आपकी परीक्षा लेने आए थे। आप और भगवान शिव समस्त संसार के माता पिता हैं। और इस तरह पार्वती जी हर परीक्षा में पूरी तरह सफल हुई। बड़ी धूमधाम से उनका विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ, जिसका साक्षी संसार का हर एक प्राणी बना था। विवाह के बाद पार्वती जी महादेव के साथ सुख और आनंद के साथ रहने लगी। क्या आप सभी को नहीं लगता कि विवाह के बंधन में बंधी नई नई जोड़ियों को बजाय ताजमहल देखने के या विदेश जाने के सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती जी के मंदिरों में जाना चाहिए? भगवान शिव और पार्वती का विवाह कोई साधारण विवाह नहीं, इसमें प्रेम है, तपस्या है, त्याग है और समर्पण है। वीडियो आपको अच्छी लगी है, कथा सुनने में आपको आनंद आया है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और कथाओं को इस पवित्र सावन महीने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।